हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी कंपटीशन क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं वो क्वेश्चन जो कि रेलवे द्वारा बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के दौरान भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये सिपाही विद्रोह हुआ था वह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में 8वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था? तो अक्टूबर 2016 में भारत के गोवा में ब्रिक्स का 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इस पर हमारा आंसर होगा ए, ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना हुआ एक समूह है जिसमें 5 देश होते हैं, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना होगा। तो स्थानांतरण करने का जो अधिकार है वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी रिपोर्ट 2015 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो जो आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है? तो जो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वह अमिताभ कांत दास। जो नीति आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस समय हैं नीरज कुमार और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कार्बन उत्सर्जन जो देश है वह है अमेरिका। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुभंकर रेलवे है? तो जो शुभंकर रेलवे है वह है भोलू एलिफेंट। यह भारतीय रेलवे का एक खास प्रतीक चिन्ह है जिसे भोलू एलिफेंट कहा जाता है, जो कि एक रेलवे गार्ड की तरह हरा सिग्नल दिखाते हुए लालटेन पकड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत स्थगित हो जाए तो चुनाव कितने समय पश्चात हो जाएगा? हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायत के विषय में बताया गया है जिसका चुनाव राज्य के द्वारा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। तो यदि कोई पंचायत स्थगित हो जाती है तो इसका चुनाव 6 महीने के अंदर होना आवश्यक है। इस प्रकार हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरचित जिसे अक्टूबर 2016 ईस्वी में बनाया गया था वह है? तो वह अंटार्कटिका। इस प्रकार हमारा आंसर होगा
सी जो के डी वन पॉइंट नाइन मिलियन क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें सबसे अधिक पोषक तत्व युक्त जल पाया जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष अनुसंधान में कौन सा अनुशासन सम्मिलित नहीं है? तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उसमें मानव संस्कृति को सम्मिलित नहीं किया गया है। टापलर ने कहा था कि मानव संस्कृति अत्यंत जटिल है, जिसमें जीने के लिए ज्ञान, विश्वास, कला, कानून होना अत्यंत आवश्यक है। और बाद बाकी जितने भी हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, यह सभी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। यह भूटान का अत्यंत प्राचीन और संस्कृति का हिस्सा रहा है। भूटान ने इसे अपना राष्ट्रीय खेल सन 1971 ईस्वी को घोषित किया गया था। ओलंपिक में इसे सन 1994 ईस्वी में सम्मिलित किया था। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ मुद्रा गुल्ट्रम चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मिक्सर और चक्की के उत्पादन में नहीं किया जाता है। इस प्रकार हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है हमारी ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो यह एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नियम मिश्रणों के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो जो मिश्रण के संबंध में कौन सा नियम है जो के प्रदर्शित नहीं करता है? वो होता है मिश्रण में अलग-अलग पदार्थ का होना। दोस्तों मिश्रण, इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। जो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 2015 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था स्वेतलाना अलेक्स एविच। तो इस प्रकार हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव घई किस खेल से संबंधित हैं? तो जो गौरव घई हैं वह गोल्फर से संबंधित हैं, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। इस प्रकार हमारा आंसर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम सन 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन सरकार द्वारा औपचारिक रूप से पारित किया गया था। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए 1905। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय किस स्थान से संबंधित थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे, जो पंजाब के निवासी थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि सन 1928 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो यह हुई थी 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को। इस प्रकार हमारा आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी? तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वह थी दिल्ली। अकबर के काल को मुगलों का प्रशासनिक काल भी कहा जाता है, जिसने अपने काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कई भाषाओं में सबसे अधिक संख्या में गाने गाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, जिसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज कराया था? तो वह थी पी सुशीला। इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी, पी सुशीला, जिन्होंने 12 भाषाओं में 17,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। नेक्स्ट, लोगों के जातीय समूह उचित रूप से एक साथ रहने की संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो लोग के जातीय समूह हैं वो किस अनुसार एक साथ रह सकते हैं? यदि उनकी समान संस्कृति हो तो वह एक साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसका हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर स्क्वायर कहाँ है? तो जो पीटर स्क्वायर है वह है वैटिकन सिटी में, जिसका निर्माण अकबर एट के दौरान सन 1656 से 1667 ईस्वी के बीच बर्निन के द्वारा किया गया था। पीटर स्क्वायर सभी चर्चों का स्वागत करती है और यहीं से सभी चर्चों के गुरु भी चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI का मतलब क्या होता है? FDI का मतलब होता है किसी देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में निवेश। इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन किंग्सले संगठन किससे संबंधित है? तो बेन किंग्सले जो संगठन है वो पॉप संगीत से संबंधित है। जो बेन किंग्सले हैं एक अंग्रेजी अभिनेता हैं, जिन्होंने सन 1998 में बनी गांधी फिल्म में मोहनदास करमचंद गांधी का रोल निभाया था, जिन्हें एक्टर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑस्कर से भी नवाजा गया है। यही थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे ने अपने एग्जाम में पूछे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल और आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।